हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल श्रुति क्रिएशन। और आज हम बनाने जा रहे हैं बिल्कुल बाजार जैसे वेज बर्गर। तो इसके लिए आप मेरी वीडियो को पूरी देखें। तो चलिए वेज बर्गर बनाना स्टार्ट करते हैं। वेज बर्गर बनाने के लिए हम पहले बनाएंगे वेज पैटीज। एक गर्म कढ़ाई में तकरीबन 2 चम्मच हम ऑयल डाल देंगे। यहाँ पर हम सरसों का ऑयल यूज़ कर रहे हैं। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून जीरा डाल देंगे। जीरा को अच्छे से चटक जाने के बाद हम इसमें 2 बड़े बारीक कटे हुए प्याज और 3-4 हरी मिर्च डाल देंगे। इसे हम 2 मिनट तक अच्छे से चलाकर गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। आप यहाँ पे 1/2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दें। अब हम इसमें 1 बारीक कटे हुए शिमला मिर्च और 1 कद्दूकस किए हुए गाजर डाल देंगे। थोड़ी देर चलाने के बाद अब हम इसमें थोड़े से बंद गोभी डाल देंगे बारीक कटे हुए। हमें सब्जियों को ज़्यादा पकानी नहीं है, बस इसके कच्चेपन को दूर करना है। अब हम इसमें मसाले डाल देंगे। तो इसके लिए मैं ली हूँ 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून मिर्ची पाउडर, 1 टेबल स्पून मैगी मसाला, 1 टेबल स्पून हरी मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून आमचूर पाउडर। अब हमें मसालों को अच्छे से सब्जियों के साथ भूननी है थोड़ी देर। अब हम इसमें 7 से 8 बॉइल्ड और मैश्ड किए हुए आलू डाल देंगे। बॉइल्ड आलू को सब्जियों के साथ अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें 1/2 टेबल स्पून गर्म मसाला और 1 टेबल स्पून नमक या स्वाद अनुसार डाल लेंगे। अब हम इसमें तकरीबन 1/2 कटोरी पोहा यानी चूरे को अच्छे से वॉश करके इसमें डाल देंगे। इससे ये होगा कि नमक डालने से जो पैटीज में मॉइस्चर बन जाएगा उसे ये सोख लेगा। लास्ट में हम धनिया पत्ते डालकर इसे ठंडे होने के लिए छोड़ देंगे। आप पैटीज बनाने के लिए कम या ज़्यादा सब्जियों का इस्तेमाल करके भी बना सकते हैं। अब हम पैटीज के लिए स्लरी बनाएंगे यानी कि घोल। एक बाउल में तकरीबन 2 बड़े टेबलस्पून मैदा ले लेंगे। आप मैदे की जगह अरारोट भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें हमें थोड़ी थोड़ी पानी ऐड करके एक गाढ़ी स्लरी तैयार कर लेंगे। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक और 1/2 टेबलस्पून काली मिर्च पाउडर डाल देंगे। स्लरी को हमें इसी कंसिस्टेंसी में रखना है। ब्रेड क्रम्स बनाने के लिए हम 4 से 5 ब्रेड को टोस्ट करके ब्लेंड कर लिए हैं। अगर आपको ब्रेड क्रम्स बनाने में दिक्कत हो रही हो तो आप पोहा यानी कि चूरे को आप मिक्सर में डालकर दरदरा ग्राइंड करके भी यूज़ कर सकते हैं। पैटीज की मिक्सचर अब ठंडी हो गई है। अब हम इसे एक बड़े बॉल के शेप में लेंगे और इसे हल्के फ्लैट कर लेंगे हल्के प्रेस करके। इसी तरह हम एक और बॉल्स बना लेंगे। अब हम तैयार बॉल्स को स्लरी में डिप करके ब्रेड क्रम से कोट करेंगे। इसी तरह हम एक और पैटीज बना लेंगे। अब हम पैटीज को फ्राई करेंगे। तो इसके लिए हम पहले से एक पैन को गर्म होने के लिए चढ़ा दिए थे। अब हम इसमें 1/2 कटोरी ऑयल डाल देंगे। हम यहाँ पे रिफाइंड ऑयल का यूज़ किए हैं। अब हम इसमें तैयार पैटीज को डाल देंगे। मीडियम फ्लेम पे हम पैटीज को दोनों साइड से फ्राई कर लेंगे। बीच बीच में आप ऑयल भी डाल दें। मैं पैटीज को हल्के ऑयल में ही सैलो फ्राई की हूँ। आप चाहे तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, इससे पैटीज ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी। अब हम इसी पैन में तकरीबन 1 टेबलस्पून घी डाल देंगे। बन को बीच से कट करके हमें इसे दोनों साइड से सेक लेना है। हम यहाँ पे बेकरी वाले बन यूज़ किए हैं। बन को टॉप बॉटम दोनों साइड से सेक लेने के बाद अब हम इसे निकाल लेंगे। ये हम बर्गर में लगाने के लिए मिक्सचर तैयार करें। तो इसके लिए मैं 1.5 टेबलस्पून मेयोनीज और 1.5 टेबलस्पून केचप डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अगर आपको मेयोनीज नहीं मिल रही हो तो आप सिर्फ केचप का यूज़ कर सकते हैं। अब हम बर्गर को असेंबल करते हैं। बन के एक साइड हम धनिया पुदीने की चटनी लगा लेंगे और दूसरे साइड बनाई मेयोनीज केचप की मिक्सचर लगा लेंगे। इसके बाद हम बंद गोभी के ताज़े पत्ते रख लेंगे और इसके ऊपर पैटीज के ऊपर हम हल्के ब्लैक सॉल्ट स्प्रिंकल कर लिए हैं। इसके ऊपर 2 पतले खीरे और टमाटर के स्लाइस रख लेंगे। खीरा ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे हटा भी सकते हैं। इसके ऊपर हम पतले काटे ऑनियन रिंग्स रख लेंगे।
इसके ऊपर पनीर के एक स्लाइस और चाट मसाला स्प्रिंकल कर लेंगे। इसके ऊपर बचे मेयोनीज और केचप का मिक्सचर डाल देंगे। आप चाहे तो इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ या चीज़ स्लाइस भी डाल सकते हैं और इसे हम कवर कर लेंगे। बर्गर बनकर रेडी हो गई है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।